आज सुबह सुबह ही शिवा पार्क में आकर के एक पेड़ के पीछे बैठ गया था और उसे आदि का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और कहता है, बोलो आदि। और फिर आदि उसे कहता है, शिवा तुम्हें रुद्रा को अलर्ट करना होगा क्योंकि रुद्रा पर शाकाल ने एक जादू करने का प्लान बनाया है, प्लीज तुम जल्दी करके ये उसको बता दो। और फिर शिवा कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको ये बता दूंगा और मैं उसकी मदद भी करूंगा शाकाल से लड़ने में, चलो मैं अभी उसके पास जाता हूँ। और फिर ऐसा कह करके शिवा कॉल काट देता है। और फिर शिवा अब वहाँ से खड़ा होकर के अपनी साइकिल की तरफ जाता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। शिवा उसकी साइकिल के पास जाने के बाद उसके साइकिल पर बैठ जाता है और उसकी साइकिल तेजी से भगाने लगता है, वो भी रुद्रा के पास जाने के लिए। यहाँ पे आदि सोच रहा था कि शिवा रुद्रा के पास गया होगा या नहीं, क्योंकि रुद्रा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मायरा और रुद्रा दोनों अपने पार्क में आकर के खेल रहे थे, तभी उसके बॉल को आग लग जाती है और दोनों शॉक हो जाते हैं। मायरा कहती है, हमारी बॉल तो जल करके खत्म हो गई, अब हम किससे खेलेंगे, हमारे पास तो दूसरी बॉल भी नहीं है। और फिर रुद्रा कहता है, पता नहीं ये कैसे हुआ। और तभी वहाँ पे शिवा आ जाता है। शिवा नीचे लैंड करता है और शिवा लैंड करने के बाद रुद्रा से कहता है, तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये सब शाकाल कर रहा है, क्योंकि शाकाल तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें उससे बच के रहना होगा, नहीं तो वो तुम्हारे साथ मायरा को भी कुछ कर सकता है। और फिर रुद्रा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे अभी दादाजी के पास जाना होगा और मैं दादाजी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और फिर मायरा कहती है, हाँ चलो इस पर दादाजी ही कुछ कर पाएंगे, वरना शाकाल कुछ भी कर सकता है। और फिर शिवा कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं तब तक शाकाल पर नजर रखता हूँ।